आप क्या बोलना चाह रहे बड़े जोश? मैं दो मिनट सर, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर इनको खांसी भी आ जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है, अगर इनका पेट खराब हो जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है, अगर आज ये बीमार पड़ जाए, अगर आज इस गर्मी से धूप में मर जाए तो ईडी की वजह से आ रहा है। और पहली बार ये कार्यकर्ता किसी से सुनेंगे नहीं, ये सुन इनकी सुनने की शक्ति नहीं। बात बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बात बताइए, इस बार तो फिर से आम आदमी पार्टी ने आतिशी दिल्ली सरकार की मंत्री, सुना आपने, बोला कि भाई स्वाति मालीवाल के खिलाफ भी करप्शन का मामला चल रहा था, भर्ती घोटाले का मामला चल रहा था, तो उसी मामले में आखिरकार दबाव में आकर ये सब कुछ किया। ये लोग कह रहे हैं कि हमने 7 कैंडिडेट 6 कैंडिडेट बदल दिए, ये लोग इसके इनका मुख्यमंत्री हमेशा कहता था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, और जिनको गाली देता था उन्हीं से गठबंधन कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब उसका मामला चल रहा था तो उसको फिर एमपी क्यों बनाया आम आदमी पार्टी ने? पता है 2 साल तक 2 तारीख को फिर घर वापस चेक की। क्या आप क्या बोल रहे हैं? दिल्ली सरकार में राजकुमार आनंद मंत्री थे, इस्तीफा दिया तो बोल रहे हैं बीजेपी ने डराया। अभी स्वाति मालीवाल को इस्तीफा दिया, कांड हुआ तो बीजेपी ने। अभी एक बात बताइए, ईडी किसके घर पे गई है? रांची में 51 करोड़ निकला है, अभी 351 करोड़ कांग्रेस के सांसद के पास निकला, ईडी के पास क्यों जाता है? आप बोले फिर बाहर आओ, विकास बताते हैं। दिल्ली के अंदर 1639 कॉलोनियां थी, कांग्रेस पहले डरा के बुलडोजर के डर से इन लोगों से वोट लेती थी, मोदी गवर्नमेंट ने उनको सबको रेगुलाइज करा है। भाई बड़ा मुद्दा बना रहे, एक सेकेंड, बड़ा मुद्दा, मेरा सवाल सुन मेरा, बोल रहे हैं बीजेपी मुद्दा बना रही है भ्रष्टाचार का, विपक्षी नेता भ्रष्टाचार में डूबे ये बीजेपी मुद्दा बना रही है। आप ये बताएं बीजेपी खुद ये देखे भ्रष्टाचारियों को लेके वॉशिंग मशीन में धोके क्लीन करके और टिकट दे रही है, मणिपुर की घटना नहीं दिखी उन्हें? मणिपुर में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, गृह मंत्री जी नहीं बोले, महिला पहलवान के साथ क्या हुआ? रेपिस्ट का प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री जी। आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाल जी को जब अपनी महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में उनको अपना पद दिया, वो उनके उनके ऊपर आरोप कैसे लग सकते हैं केजरीवाल जी के लिए? ये सोची समझी साजिद है। किसकी सोची समझी? ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर दिल्ली के अंदर क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग रेपिस्ट क्यों है, जो पार्टी है। भाई आप ऐसे सीधा नहीं बोल सकते, नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते। बहुत ऐसे लोग, आरोप लगाना अलग बात है, बहुत ऐसे लोग सामने आए, केस आए हैं जो बीजेपी के लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? मणिपुर की घटना, एक महिला और एक बच्ची को नंगा करके घुमाया गया, उस पर कोई नहीं बोला, और अभी तक किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? महिला पहलवान। अगले मुद्दे पर आता हूँ मैं, अब अगले मुद्दे पर, एक सेकेंड, मैं अगले मुद्दे पर, मेरा सवाल अगला मुद्दा। यहाँ से इन्होंने एक मुद्दा उठाया, बोला भाई उदित राज को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया, नाराजगी इस कदर थी कि अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार आनंद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, क्या इसका नुकसान होगा 25 तारीख को? पहले भी गए थे, पिछले चुनाव में भी गए थे, वो पिछले चुनाव बोल रहे घर वापसी होगी उनकी, पूछ रहा हूँ नुकसान होगा या वापिस कूड़े में चला गया? बताइए नुकसान होगा या? पहले भी वो छोड़ के गए थे, वापसी आए, लेकिन वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है, इस समय चुनाव है, चुनाव का सीधा सीधा असर उसके ऊपर पड़ेगा, अगर इस तरह से लोग छोड़ के जाएंगे पार्टी को तो पार्टी का नुकसान है। आप क्या बोल रहे हैं? भगोड़े को कोई जगह नहीं देता, भाजपा भी जगह नहीं देगी इन भगोड़ों को। कौन है भगोड़ा? ये लवली जी हैं, राजकुमार चौहान जी हैं। अरे इस सीट पर कोई असर, इनका कोई असर नहीं है। भाई वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर राजकुमार आनंद, अरविंदर सिंह लवली छोड़कर चले गए, उदित राज का विरोध हुआ, बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया ऐसा है, ये जितने लोग इनके दिल पे हाथ रख के विकास की बात कर रहे थे, विजय बिहार में 70% बच्चे गंदा पानी पीने से बीमार है, ये ना आम आदमी पार्टी के हैं ना बीजेपी के हैं, हमारे बच्चे हैं जो बीमार चल रहे हैं, आप अभी स्वयं आए हैं, ये विकास है दिल्ली मॉडल, ये जापान मॉडल है, आप विजय बिहार घूम के आए, नर्क पानी की समस्या है, पानी की समस्या पूछे, सबके घर में गंदा पानी। शिवराज सरकार जिम्मेदार है उसके लिए? बिल्कुल, राज्य सरकार जिम्मेदार है, और बहुत बड़ा घोटाला है जल बोर्ड। यहाँ भी पूछता हूँ।